नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा ऐसा सोचना है। तो इसमें मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ और 100% सही भी हो सकता हूँ, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। लेकिन अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तो आपको जो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हम जिसको बोलते हैं, इसके आपको इंटरनली चीज़ों के बारे में पता चलेगा। जैसे अभी आपको बता रहा हूँ मैं, एक अफवाह फैली थी कि कलर्स टीवी वाले एक नया सिंगिंग शो लाने वाले हैं, सिंगिंग दीवाने नाम का, कुछ इस तरह से अफवाह फैली थी और बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया गया था कि आप जनवरी में आपके ग्राउंड ऑडिशन होने वाले हैं, कुछ इस तरह से कलर्स टीवी की तरफ से आया था या नहीं आया था मुझे नहीं पता। मैंने इसके ऊपर दो वीडियोज़ बनाई थी, मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि अगर भाई आपके पास कॉल आ रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि आपके ग्राउंड ऑडिशन होंगे, आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही, तो फिर आपको ये फॉर्म फिल कर देना चाहिए, कुछ इस तरह से मैंने आपको बताया था। बेसिकली इसी के ऊपर ये वीडियो है और इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना, आपको कुछ चीज़ें, कुछ क्लू आपको मिलेंगे। कलर्स टीवी पे एक सिंगिंग शो जरूर आया है लेकिन ये सिंगिंग शो किस टाइप का है और ये क्या चल रहा है, मैं इसको अब वीडियो के माध्यम से नहीं समझा सकता, सीधा आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए, किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन ना हो। और देखते हैं इसका पूरा कि बेसिकली चल क्या रहा है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने गूगल ओपन किया हुआ है और हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सर्च करेंगे। सबसे पहले एक कॉम्पिटिशन जो काफ़ी ज़्यादा अफवाह में फैला हुआ है, सिंगिंग दीवाने, मैं इसको सर्च करता हूँ, गूगल पे सर्च कर रहा हूँ। इधर एक फेसबुक पेज भी है सिंगिंग दीवाने नाम से, और मुझे नहीं पता ये क्या है। सिंगिंग दीवाने नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है और ये भी कुछ ऑफिशियली नहीं है, ये दोनों ही ऑफिशियली नहीं है वैसे तो, इनके खुद के पेज हैं। अब उसके बाद कुछ वीडियोज़ आ जाती हैं, थोड़ा नीचे चलने के बाद आपको फेक और रियल के ऊपर किसी ने आर्टिकल भी पोस्ट किया है कि सिंगिंग दीवाने फेक है या फिर रियल है। और जब आप इस आर्टिकल को ओपन करते हैं, YSR नाम की एक वेबसाइट है, काफ़ी सही वेबसाइट है, ऐसा नहीं कहेंगे कि यह वेबसाइट फेक है, फ्रॉड है, सही वेबसाइट हम कह सकते हैं, एक इंटरमीडिएट वेबसाइट है। 5 जनवरी को इन्होंने अपडेट डाली है, जिन्होंने बताया कि भाई सिंगिंग दीवाने में ऐसे 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 अप्लाई कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस इन्होंने बताया है। लेकिन बाद में ये क्या बताते हैं, थोड़ा नीचे चलने के बाद एक डिस्क्लेमर देते हैं, देर आर द सम फेक पीपल्स टू कॉल यू ऑडिशन, आस्क मनी फॉर रजिस्ट्रेशन, इस तरह से बताते हैं। कहने का मतलब मुझे ऐसा लगता है इस आर्टिकल को रीड करने के बाद कि ये भी कन्फर्म नहीं है कि सिंगिंग दीवाने किस टाइप का शो है। अब चलो ये ठीक है, इधर हटाते हैं इसको। अब मैं चलता हूँ आपको इंस्टाग्राम पे, ये है इंस्टाग्राम और ये मेरा अकाउंट है टुडे ऑडिशन के नाम से। मैं इधर सर्च करता हूँ गाइस कलर्स, क्योंकि कलर्स टीवी पे आने वाला है। जैसे ही हम कलर्स टीवी सर्च करते हैं तो मेरे सामने एक चीज़ नज़र आती है जो कि काफ़ी चौंका देने वाली हम कह सकते हैं। ये मैंने वीडियो प्ले नहीं कर सकता क्योंकि ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज, लेकिन जुनूनियत ऐसे कुछ नाम का एक सिंगिंग शो आने वाला है। अब इस सिंगिंग शो में आप ऑडिशन नहीं दे सकते, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक स्ट्रगल है एक तरह से, हम कह सकते हैं कि जो सिंगर्स हैं किस तरह से अपना ऑडिशन देते हैं, किस तरह से जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, इस टाइप का कोई शो है। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है अभी, लेकिन कुछ इस तरह का शो आने वाला है, जुनूनियत नाम का ये शो। इसमें आप देख सकते हैं कुछ कलाकार भी आ रहे हैं, लेकिन ये ऑडिशन नहीं है, आपको बताना चाहूँगा, इसमें आप ऑडिशन नहीं दे सकते। अब ये सिंगिंग दीवाने और जुनूनियत दोनों शो में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, पहली बात तो दोनों ही कलर्स टीवी के ऊपर आ रहे हैं। अब देखोगे इस कलर्स टीवी के ऊपर शो तो आया है, सिंगिंग शो, ये तो कन्फर्म न्यूज़ थी, लेकिन इसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं, ये काफ़ी डाउटफुल था। दूसरा, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको जानना। अब जो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, इसमें मैं हो सकता हूँ 100% गलत भी और 100% सही भी। सिंगिंग दीवाने नाम का जो अफवाह फैलाई गई थी वो इसीलिए फैलाई गई थी, ये देखना चाहते थे कि जुनूनियत जैसे शो को देखने वाले कितने इंटरेस्टेड पीपल हैं। कहने का मतलब एक सर्वे किया गया था मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ पर यह चेक किया गया कि भाई कौन लोग कलर्स टीवी के इस शो को देखने में इंटरेस्टेड रहेंगे, वही लोग रहेंगे जो सिंगर हैं। तो बस इनको ये चेक करना था इस शो को देखने वाले कितने लोग हैं, क्या हमें लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किस टाइम लॉन्च करना चाहिए, किस तरह से हम एक कैंपेन चलाएं ताकि लोग इस शो को देखें।
मुझे ऐसा लगता है इसीलिए सिंगिंग दीवाने नाम का इस तरह से लोगों ने बताया था कि भाई नया शो आने वाला है ऐसे ऐसे करके, और कलर्स टीवी पे हमें देखने को मिला जुनूनियत नाम का एक रियलिटी सिंगिंग शो, लेकिन इसके अंदर हम ऑडिशन नहीं दे सकते। बेसिकली ये मुझे लगता है पूरा मार्केट प्लानिंग है। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर बता सकते हैं। फिर से बोलना चाहूँगा मैं, हो सकता हूँ गलत, लेकिन ये मेरा थोड़ा थिंकिंग है, मेरा सोचने का तरीका है जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाहूँगा, जो टीम होती है, जो प्रमोशन टीम होती है, जो प्रमोट करती है, वो कुछ इसी तरह से प्रमोशंस करती है, जहाँ पर ये चेक करते हैं कि भाई हम कोई सिंगिंग शो लाने वाले हैं जिसमें ऑडिशंस तो नहीं होगा, एक रियलिटी शो भी नहीं है, लेकिन रियलिटी शो जैसा वो दिखेगा, क्या ऐसा शो लाते हैं तो क्या लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, उसके लिए सिंगिंग दीवाने नाम का एक शो निकाला गया था जिसमें बोला गया था कि भाई आप ऐसे ऐसे ऑडिशन दे सकते हैं, वो बस चेक करने के लिए। हालांकि कोई सिंगिंग दीवाने नाम का कोई शो नहीं आने वाला, ये मेरा सोचना है। बट अगर आ जाए तो भाई बहुत अच्छा है, हम तो चाहती हैं कि कोई सिंगिंग दीवाने नाम का शो आए जिसके ऊपर जितने भी सिंगर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सके, अपना ऑडिशन दे सके, ऐसा सोचना है। लेकिन अब यार कलर्स के ऊपर एक जुनूनियत नाम का नया टेलीविज़न शो आ रहा है और फिर सिंगिंग दीवाने भी आएगा, तो ये काफ़ी मिक्सअप हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि सिंगिंग दीवाने अब आ सकता है। तो ये सिर्फ एक TRP था, एक प्रमोशन था इस तरह से जुनूनियत को प्रमोट करने का। आपका क्या सोचना है ज़रूर कमेंट करके बताइए। मेरा जो सोचना था एज अ व्यूअर वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी गाइज और भी आपको अपडेट देता रहूँगा, कोई ऑडिशन आता है सिंगिंग को लेकर तो आपको ज़रूर बताऊँगा। वही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।